परमेश्वर के नाम की महिमा हो सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे भजन संहिता 41 रोगी व्यक्ति की प्रार्थना, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का एक और ये भजन है। तो पहली आयत क्या कहती है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की शुद्धि रखता है। कंगालों की शुद्धि रखने वाला व्यक्ति धन्य है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमसे जो ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, उससे भी ज्यादा गरीब है, और उससे ज्यादा गरीबों की माने तो जिसके हाथ पांव नहीं है, या शारीरिक रूप से विकलांग है, या और मुसीबत में, आर्थिक मुसीबत में घिरा हुआ है, उस ऐसे व्यक्तियों का ध्यान रखने वाले व्यक्ति है, वो धन्य व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। विपत्ति के दिन यहोवा उनको बसाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो ऐसे निर्बल और कमजोर तबके के लोगों का ध्यान रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को, उस ध्यान रखने वाले व्यक्ति को यहोवा परमेश्वर है, जब उसके ऊपर विपत्ति आएगी तो उसको बसाएगा। जब विपत्ति आती है तो आदमी उजड़ जाता है। ताजा उदाहरण हम देखें यूक्रेन का, पूरा यूक्रेन शहर है वो उजाड़ पड़ा है, जहाँ पर कि 24 घंटे महफिलें सजती थी, भारत से हजारों हजार स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे, वो शहर आज वहाँ पर कौवे भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि कौवे को पता है कि यहाँ आकर बोलेंगे तो कोई बम आ पड़ा तो बेमतलब के मारे जाएंगे, इसलिए और कहीं जाकर बोल लेते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनका हम ध्यान रखें, उनका हम ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों को जहाँ तक हो सके पूरी करने में उनको, उनकी सहायता करें, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरते हैं। और जब परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरते हैं तो फिर उसके बाद है, जब हम पर कभी विपत्ति आती है तो परमेश्वर हमें उस विपत्ति में, उस विपत्ति से, नाश होने से बचाता है और हमें हमें वहां पर बसाता है। चलिए दूसरी आयत देख लेते हैं। यहोवा उनकी रक्षा करके उनको जीवित रखेगा, और न सिर्फ विपत्ति के समय, दुख मुसीबत के समय हमारी रक्षा करके हमें जीवित रखेगा, बल्कि हमें बसाएगा भी वहां पर, और पृथ्वी पर भाग्यवान भी हमें करेगा। तो पृथ्वी की तरह, पृथ्वी के ऊपर ऐसे व्यक्ति भाग्यवान ठहरते हैं, तो उनको उनके शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ता है। जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। जो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को, जब वो व्याधि के मारे सैया पर मतलब खाट पर, बेड के ऊपर पड़ा हो और आईसीयू में पड़ा हो, तो ऐसी व्याधि के समय में परमेश्वर उसको संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौनों को उल्ट कर ठीक करेगा। रोगी व्यक्ति कई दिन से बिछौने के ऊपर पड़ा है, जब वो ठीक हो जाता है तो उस बिछौने को समट दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है। ऐसे ही परमेश्वर है, उस बिछौने को समट कर उसको ठीक करेगा। चौथी आयत हमें बताती है, मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, अर्थात परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलते हैं और अपने ही धुन में रहते हैं, ऐसे लोग हैं वो बीमार हो जाते हैं। इसलिए बीमारी से बचने के लिए भी जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधिकारी के लिए, अनुग्रह पाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के संग संग चलें। पांचवी आयत हमें बताती है, मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उनका नाम कब मिटेगा। मेरे शत्रु मुझे मारने और मिटाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता उसका 41वां अध्याय और आ गए हैं 6 आयत में। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है। तो मेरा जो शत्रु है, वो मेरा जो दोस्त है, वही मेरे शत्रु बन गए, और जब वो मुझसे मिलने आता है तो व्यर्थ की बातें करते हैं। जैसे कि अय्यूब के दोस्त हैं, वो जब उससे मिलने आए थे तो उसको बजाय सांत्वना देने के लिए व्यर्थ की बातें करने लगे थे, उसी में बुराइयां निकालने लगे थे कि तूने कुछ गलत किया होगा, इसलिए तेरे साथ कुछ ये सब इतनी विपत्ति आई है। परमेश्वर बे मतलब की किसी पर विपत्ति नहीं डालता, जबकि उनका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है।
सातवीं आयत हमें बताती है, मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, और जितने मेरे बैरी है सब के सब है वो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हो गए हैं, और मेरे विरुद्ध है वो मेरी चुगली करते हैं, मेरे बारे में गलत सलत बोलते हैं, वे मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठेगा नहीं, और वे कहते हैं कि अब जो ये बिस्तर पर पड़ गया नहीं तो अब ये कभी को नहीं उठा। भाई मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है, परंतु हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा, परंतु हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह कर उठा। मेरे जो दोस्त थे ना, जो मेरे साथ खाते पीते थे, उन्होंने भी मेरे खिलाफ होकर मेरे बुरे समय में मेरे ऊपर लात उठाई है। तो जो मेरे दोस्त थे वही अब मेरे दुश्मन बन गए, दुश्मन तो पहले से ही थे। तो ये सब जो दुश्मनी का एक पूरा का पूरा एक पूरी सेना बन गई है, तू मुझे इनसे बचा और छुड़ा और मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं उनको बदला दूँ। तो यहाँ पर बताते हैं दाऊद कि मैं उनको बदला देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन तू परमेश्वर सब कुछ सक्षम है, इसलिए तू मेरी हेल्प कर ताकि मैं उनसे बदला ले सकूँ। 11वीं आयत हमें बताती है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। जब यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि मैंने इस बात के द्वारा जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है क्योंकि मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं होने पाता है, मुझे तो तू खराई में संभाल लेगा, मुझे तो तू खराई में संभालेगा और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख शीतल रखता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अंत काल तक धन्य है, आमीन फिर आमीन। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आदि से अंत काल तक धन्य है, आमीन फिर आमीन। तो आज के अध्याय में हमने देखा भजन संहिता 41, अगले अध्याय में हम देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे 42वां अध्याय भजन संहिता का, और इसमें हम देखेंगे निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की, जय हिंद।